जी, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो टाइम अभी 6:30 के आसपास है, धूप है और हम नीचे आए हैं वॉक के लिए। मतलब अभी हम जस्ट हमारे घर के पास नेबर हैं, वहाँ पे आज था सुखमनी साहब का पार्ट, तो मैं गुग को लेकर गई हुई थी वहाँ पे। तो 5:30 से मैं वहाँ वापस आई हूँ और इसलिए आज मैंने पहना हुआ है सूट। और बस वहाँ से आके फिर मैंने सबके लिए बनाया मैंगो शेक, हम तीनों ने पिया और उसके बाद बस फिर हम आ गए नीचे। अभी डिनर आज मैंने नहीं बनाया, अभी ऊपर जाऊँगी बच्चों को घुमा के, तो फिर मुझे ऊपर जाके बनाना है डिनर। डिनर की करनी है तैयारी। और जब भी मैं नीचे आती हूँ मतलब कुछ ना कुछ खाने के लिए, गुगू के लिए कभी बिस्किट कभी कुछ ना कुछ ले आती हूँ, इससे कुछ खाती है कुछ गिराती है, मतलब फिर ना ये ध्यान लगी रहती है ज़्यादा, मतलब परेशान नहीं करती। तो बस जल्दी से मैं आ गई थी ऊपर और आज डिनर में मैं बना रही हूँ मटर पनीर। तो यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है, मसाले के साथ मैं मटर को अच्छे से भून लूँगी। तो ये ना जब सर्दियाँ ख़त्म होने वाली थी ना, तो मैंने 10-15 किलो मटर को मतलब छील के उन्हें मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि मैंने हमेशा ऐसे ही करती हूँ, फिर मैं समर्स में वो मटर यूज़ करती हूँ। और ये है मेरे घर का फ्रेश पनीर जो आज मैंने मॉर्निंग में बनाया था, एकदम सॉफ्ट एंड स्पंजी। और साथ में यहाँ पे साथ साथ उसको होमवर्क भी करा रही हूँ, कल मुझे ब्रेकफास्ट में बनानी है इडली, तो रात को ब्रेकफास्ट का थोड़े बहुत तैयारी करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कोकोनट चटनी, मतलब झटपट रेडी हो जाती है और बहुत टेस्टी भी लगती है, मतलब मैं हम इसको रोटी के साथ भी खा लेते हैं, मुझे अच्छी लगती है। और आज दूध फ्रिज में था बहुत सारा एक्स्ट्रा, मतलब 1.5 किलो दूध मेरे पास एक्स्ट्रा मुझे लग रहा था, कल फिर फ्रेश आ जाएगा मॉर्निंग में, तो इसलिए आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ मीठा। तो मीठे में मैं बना रही हूँ सैको की खीर, यानी साबूदाने की खीर। और मतलब खीर तो यार चावल वाली साबूदाने सभी अच्छी लगती है, पर मुझे साबूदाने की खीर आप बना के देखना, मतलब बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड किया है और नट्स ऐड किए हैं और इलायची पाउडर, इलायची पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको हम फ्रिज में अभी नहीं खाएंगे, गरम गरम बनाने के बाद मैं इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। और जब ये ठंडी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब एकदम रबड़ी की तरह लगती है। तो बस खाना बनकर हो गया रेडी और भगत आएंगे तो बनाऊंगी चपातीस फुलके। और यहाँ पे मैंने बच्चों को काट के दे दिया है मस्क मेलन, जो गुगू खिला रही है अपनी बहन को। मतलब इसको कुछ भी दो ना खाने को, ये खुद कुछ नहीं खाती, सारा कुछ अपने हाथ से उसे खिलाती है। तो बस ये खा के और भी मुझे छोटे मोटे काम थोड़े से और करने हैं। तो गाइस मैं इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। तो मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।